मध्य प्रदेश में ओला बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। मंगलवार को भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरे तो कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर भी देखा गया। भोपाल में भी दोपहर के बाद अचानक काले बादलों ने पूरी राजधानी को अपने आगोश में ले लिया और देखते ही देखते अंधेरा छा गया और फिर तेज रफ्तार हवाएं चली। हवा की गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आसमान में धूल भरे गुब्बारे देखे गए तो वहीं तेज हवाओं के कारण कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए। वहीं शादी पंडालों में भी तेज हवा के चलते नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने मंगलवार को तेज बारिश, आंधी और ओले गिरने का अनुमान जताया था और जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। भोपाल, सागर, विदिशा, सीहोर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ है। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने नुकसान हुई फसलों का सर्वे करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। कोई भी किसान जो प्रभावित है उसका सर्वे गंभीरता से किया जाए। उन्होंने कहा कि फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के आसपास और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक टर्फ लाइन गुजर रही है और प्रति चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के आसपास हवाएं भी चल रही है जिससे मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में नमी आ रही है। इसी कारण प्रदेश में तेज बारिश, ओले और आंधी का दौर जारी है। आने वाले 2 दिनों तक मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।